जय हिंद साथियों। अभी आज हम लोग समझेंगे कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इसमें नया सिलेक्शन हुआ है 50वें क्रम का, तो आज हम लोग जानेंगे इनका पूरा इतिहास। क्यों मैंने ऐसा थंबनेल पे लिखा है कि राजा का बेटा राजा, वर्तमान युग में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि राजा का बेटा राजा बने। CJI क्या है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का राजा ही तो है। तो अभी देखिएगा, मैं इनका पूरा इतिहास जब आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग भी यहां समझेंगे कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है कि राजा का बेटा राजा। तो ये पूरी बातें मैंने यहां पे लिख रखी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक बात एक्सप्लेन करूंगा। आप हमारे साथ बस लास्ट तक बने रहिए और ये देखते रहिए कि इनका पूरा इतिहास क्या है, क्या इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनके पहले कौन था, पूरा टोटल A to Z मुख्य न्यायाधीश के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुझे प्रथम और वर्तमान ये नहीं पढ़ाना है, जो अगले नियुक्त तो हुए हैं उनको पढ़ाना है, जिनका नाम निकल के सामने आया है। प्रथम कौन थे? प्रथम थे हीरालाल जे कानिया, और वही वर्तमान में कौन है? उदय उमेश ललित, यूयू ललित, 49वें क्रम के हैं। 48वें क्रम पे यह किसके स्थान पे आए थे? तो एन.वी. रमन्ना के स्थान पर ये नियुक्त हुए थे। इनका कार्यकाल बहुत कम दिन का है, 72 दिन का इनका कार्यकाल है, तो ये जल्दी ही ये रिटायर होने वाले हैं, 72 दिन इनका पूरा होने वाला है। तो इसी क्रम में विधि मंत्रालय ने इनसे कहा कि आप नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के का नाम दीजिए। तो आप तो जानते हैं जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है, वही अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम की सिफारिश करता है और उसकी सिफारिश बाध्यकारी होती है और उसको मानना पड़ता है। तो इन्होंने 50वें CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है और इनका नाम मान्य हो गया है। बाध्यकारी ही होता है, वो तो मानना ही मानना है, ना इसको राष्ट्रपति नकार सकता है, ना प्रधानमंत्री नकार सकता है, ना विधि मंत्रालय नकार सकता है, कोई भी नहीं नकार सकता। तो ये अगले नियुक्त होने वाले हैं कौन? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, 50वें क्रम के ये होंगे। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 11 नवंबर 1959 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, सबसे लंबा कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के CJI का रहा है, तो इनके पिता का ही रहा है। कितना? तो इनके पिता का कार्यकाल था 1978 से लेकर के 1985 तक इनके पिता का कार्यकाल था, और वो 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक, आप तो देख रहे होंगे कि यहां भी यशवंत है, यहां भी यशवंत है, तो इनका नाम तो धनंजय है, लेकिन बाद वाला नाम अपने पिता का नाम जोड़ा जाता है, इसीलिए यहां पे जोड़ लिया गया। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन सचिन का नाम है और रमेश क्या उनके पिताजी का नाम है, तो ऐसे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसमें देखिएगा यशवंत विष्णु, यशवंत तो इनके पिता हैं और विष्णु यशवंत जी के पिता हैं, तो बाद में उनके पिता का नाम जोड़ा गया है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, डिटेल जान लेते हैं। ठीक, किनके बारे में? DY चंद्रचूड़ के बारे में, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा DY चंद्रचूड़। YB चंद्रचूड़ और DY चंद्रचूड़ में कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसको ध्यान में रखिएगा। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब थे? 2013 से 2016 में इनकी नियुक्ति हो गई। कहां? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में, तो वो वहां नियुक्त हो गए, तो यहां से वो हट गए। कहां से? इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद मैंने क्यों लिखा है, प्रयागराज क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि तब इसका नाम इलाहाबाद ही था, तो इलाहाबाद मैंने लिख दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे ये, कब? 1998 में नियुक्त हुए थे। इनकी पढ़ाई के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। LLB की डिग्री इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, कब? 1982 में। वहीं LLM की डिग्री इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की 1983 में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहां है? तो मैसाचुसेट्स में, USA में यह है।
ध्यान दीजिएगा, और इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि जुडिशियल साइंस में हासिल की है। कब हासिल की है? तो 1986 में हासिल की है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ही इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इसके साथ साथ देखिएगा, एलएलडी की डिग्री राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ से 2015 में इन्होंने हासिल किया है। अब इनका कार्यकाल, जो ये 50वें क्रम के सीजेआई नियुक्त हुए हैं, इनका कार्यकाल कब से लेकर के कब तक रहेगा? तो 2 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। कब से? 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा, और यहीं इसी दिन ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक, और ये 8 नवंबर को उदय उमेश ललित रिटायर हो रहे हैं, तो उनके बाद 9 नवंबर को यह शपथ लेंगे, तो तब से लेकर के 10 नवंबर तक ये रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज ये कब बने हुए थे? 13 मई 2016 से यह सुप्रीम कोर्ट में जज हुए थे, यहां से हट करके वो आए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हट करके कहां गए थे? सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुए थे, और यहां से कहां नियुक्त हुए हैं? तो सीजीआई के रूप में नियुक्त हुए हैं। आइए कुछ इनके बड़े मामले देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, देखिएगा सबरीमाला केस। सबरीमाला केस क्या है? केरल में एक लॉर्ड अयप्पा नाम, आप लोगों ने इस मंदिर का सुना होगा, सबरीमाला मंदिर कहां पे है? केरल में है, और लॉर्ड अयप्पा का यह मंदिर है। ऐसा माना जाता था कि वहां के लोगों का ऐसा माना जाता था कि यह मंदिर लॉर्ड अयप्पा का है, और यह बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। तो इस मंदिर में 10 साल से लेकर के 50 साल की औरतों का, महिलाओं का जाना बैन था। तो उसी के संदर्भ में सितंबर 2018 में यह फैसला आया कि नहीं, ये गलत है, और इसमें महिलाओं का जाना अनिवार्य कर दिया गया। इससे बड़े ये क्या थे, इससे बड़े जो ये लॉर्ड अयप्पा थे, इनसे बड़े ब्रह्मचारी अयोध्या में जो मंदिर है हनुमानगढ़ी हनुमान जी का, वो हैं हनुमान जी हैं जो सबके भगवान हैं, जिनको सब कोई पूछता, उसमें किसी का बैन नहीं है, चाहे वो कितना हो भी एज की महिला हो। लेकिन सबरीमाला मंदिर में बैन था, तो यही सब देखते हुए इस बैन को हटा दिया गया। मतलब अब महिलाएं उसमें जा सकती हैं। कब हटाया गया? तो सितंबर 2018 में इसको हटा दिया गया। तो इसी केस के सदस्य, ये जितने केस मैंने लिखे हैं, इस सब बड़े केस हैं, और इन सब केस में ये शामिल है। कौन? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ शामिल है। और यह भी, जैसे 9 जजों की बेंच बैठती है, 5 जजों की बेंच बैठती है, तो इन जजों में ये सब बैठकों में ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ शामिल थे। अगला केस है समलैंगिकता का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, धारा 377। इसमें क्या कहा गया कि दो आपसी सहमति से दो वयस्क के बीच में बनाए गए संबंध, आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच में बनाए गए संबंध अपराध नहीं है, इसमें यह कहा गया। और यह भी कहा गया कि जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस केस में भी यह शामिल थे, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही थी। तो क्या कही थी? कि आज का फैसला, जिस दिन यह फैसला आया था उसी दिन इन्होंने कहा था कि आज का फैसला इस समुदाय के लोगों को उनका हक देने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया गया है। ठीक, इस फैसले में इन्होंने ये कहा था। आधार का मामला, आधार वाला केस आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब पहले आधार कार्ड बाध्यकारी नहीं था, कहीं किसी भी फॉर्म में या फिर कोई सरकारी योजना थी उसमें आप लगा भी सकते थे, नहीं लगा भी सकते थे, लेकिन बाद में चल के इसको बाध्यकारी कर दिया गया, क्योंकि आधार कार्ड आप लगाएंगे ही लगाएंगे, जो निरक्षर थे उनको भी एक पहचान मिल सके, और मिली भी। आधार कार्ड से धोखाधड़ी बहुत कम हो गई, और मतलब कि जो कई सारे लाभ एक साथ उठा ले रहे थे, तो इस सब आधार कार्ड के फैसले से कि अनिवार्य है, ये अब हर बैंक में अनिवार्य हो गया। पैन कार्ड के साथ आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते हैं, तो आधार कार्ड वाले फैसले में भी ये शामिल थे। सबसे बड़ा अयोध्या मामला, अयोध्या मामला हर किसी को पता होगा, बाबरी मस्जिद उसको हटा करके दूसरे जगह कर दिया गया, और बेसिकली अयोध्या का राम मंदिर ही वहां पे था, तो अयोध्या का राम मंदिर के बड़े फैसले में यह भी शामिल थे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ शामिल थे।
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें जो जो मैंने बताई, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के जमाने में बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि किसी के पिता किसी बहुत बड़े उच्च पद पे हो और बेटा भी उस उच्च पद पे पहुंच जाए। तो ये खास बात है, आज के जमाने में राजा का बेटा राजा बना है, यानी इनके पिता यशवंत बिसुड़ चंद्रचूड़ जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था उनके बेटे हैं ये, कौन, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 2 साल के लिए ये नए CGI नियुक्त हुए हैं और ये कब शपथ लेंगे तो 9 नवंबर 2022 को ये शपथ लेंगे। साथियों, ये जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई, आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।